बीबी के साथ बदलते भारत की शान। Hey girls, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क, जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के इस अंक में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की वार्ता की तैयारी। कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल 5 वर्ष। आइए अब खबरें विस्तार से। बता दें आपको कि देश की सरकार और किसान संगठनों के बीच 19 जनवरी 2021 को 10वीं दौर की वार्ता होनी है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वार्ता में कुछ सकारात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री सोम प्रकाश उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है, सरकार समिति के समक्ष अपने विचार रखेगी और किसान संगठनों से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की भी कोशिश करेगी। सरकारों और किसानों के बीच अब अगले दौर की बैठक 19 जनवरी को होगी। तीनों कानून, जिसमें 2 नए हैं, 1 संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ रखा, सामने रखा और उनकी जो शंकाएं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं, सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहाँ तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है
उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि हाल ही में 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं ताकि हमारे किसानों को सहूलियत मिल सके, खेती किसानी और उन्नत हो सके और कृषि के क्षेत्र में और अधिक विकास हो सके। लेकिन इन कानूनों के प्रति कई तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं हमारे किसानों के समक्ष, जिनको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। कृषि कानूनों के अंदर कोई कमी नहीं है, ये कृषि के जो कानून बने ये किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाले होंगे और आने वाले समय में किसानों की इनकम बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस बिल के अंदर किसानों को आज़ादी मिली है, किसान अपनी मनचाही वस्तु को मनचाही स्थान पर मनचाही व्यक्ति को बेच सकता है और इससे किसान को उचित मूल्य मिलेगा। पहले किसान अपनी ही मंडी के अंदर बेच सकता था जो उसके नज़दीक की मंडी होती थी, इसके अतिरिक्त वो दूसरे स्थान पर नहीं बेच सकता था जिससे उसको रेट नहीं मिलती थी, क्योंकि जो आढ़ती होते थे वो सब एक दूसरे के साथ मिले हुए होते थे और किसान को मूल्य नहीं मिलता था। लेकिन अब एक देश एक बाज़ार हो गया है और इसकी वजह से किसान अब जहाँ उसको अधिक रेट मिलेगी वहाँ पर वो बेच सकता है। जिस तरह से एक सुई बनाने वाला है तो वो भी कहीं पर भी बेच सकता है, एक साबुन बनाने वाला भी देश के और विदेश के किसी कोने के अंदर बेच सकता है, तो किसान क्यों नहीं बेच सकता? हमारा धरती पुत्र अन्नदाता है, उसको भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मनचाही रेट के ऊपर बेच सके। ये कानून पहले लागू हो जाना चाहिए था जिससे किसान को इसका लाभ मिलता, लेकिन पहले की सरकारें ये मादा नहीं रखती थी, न किसानों का हित वो चाहती थी, जिसकी वजह से ये कानून नहीं ला सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की आप और हम सब जानते हैं कि एक ही चाह है कि आने वाले समय में हमारा देश किस तरह से आत्मनिर्भर बने, और देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। इसी दृष्टि से ये कानून लाए गए हैं और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अब आने वाले समय के अंदर किसान उचित मूल्य ले पाएगा, फसल बोने से पहले वो अपनी रेट को भी निर्धारित कर सकता है कि मेरी फसल कौन सी रेट के अंदर बिकेगी। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जो किसान
फसल को बेचना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, तो वो 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर पहले ही एग्रीमेंट कर सकता है कि मेरे को मेरी फसल कौन सी रेट के अंदर बेचनी है। और इस कानून के अंदर ये किया गया है कि अगर किसान ने उसके साथ में जो एग्रीमेंट किया है 100 रुपये के स्टाम्प पर, कि मेरा अगर उदाहरण के तौर पर अनार है और अनार की रेट उन्होंने तय कर दी कि मैं इस अनार को 30 रुपये किलो के अंदर बेचूंगा उस ट्रेडर के साथ या उस व्यापारी के साथ में, दोनों के बीच में करार हो गया, और उसके बाद में अगर उसकी रेट उस समय जब फसल पकती है और रेट अगर कम हो जाती है, मान लो उसकी रेट 10 या 15 रुपये हो जाती है, तो व्यापारी को जो 30 रुपये में एग्रीमेंट किया तो 30 रुपये के अंदर ख़रीदना ही होगा, अन्यथा उसके खिलाफ़ 150% पेनल्टी लगेगी और उसको भरना पड़ेगा, और SDM उसको 30 दिन के अंदर पैसा किसान को दिलाएगा। इन तीन कृषि कानूनों का विरोध भी किया जा रहा है, जिसको खत्म करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच लगातार वार्ता जारी है। और इसी पर क्या कहा केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी ने, आइए आपको दिखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, निश्चित रूप से ये हमारे इच्छा के विरुद्ध है। हम तो चाहते थे कि हमारे जो कानून जो हमने या सदन में जो पास किए उसके ऊपर किसी प्रकार का स्टे नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं, और निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय के अंदर या आने वाले कल में जो जवाब देश के सामने जो निर्णय लेगा तो हम सब के लिए सर्वमान्य होगा। और रही बात, निष्पक्ष कमेटी बनी है और वो कमेटी फैसला करेगी, और सभी जो किसान यूनियन के नेता है या देश के अन्य अन्य जो किसान हैं उनसे भी राय ली जाएगी, और सब जगह से राय लेने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में जो भी फैसला देगा उसको मानना है सभी देशवासियों को। तो मैं तो सोचता हूँ कि किसान यूनियन के जो नेता हैं उनको अब इस बात को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर सिर्फ किसान है वो हम ही किसान नहीं है, इस देश के अंदर अन्य अन्य करोड़ों करोड़ किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उन किसानों की भावना को भी वो समझे, क्योंकि देश का कोई भी किसान वो किसान है, और हमारी सरकार है वो ये चाहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है, वो ये चाहते हैं कि देश का किसी प्रकार का कोई भी किसान इस बिल को लेकर या इस कानून को लेकर उनके मन में कोई शंका नहीं रहे। इस दृष्टि से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर कुछ किसान यूनियन के नेता और किसान आए हुए हैं उनको भी हम संतुष्ट करें, उसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हमने उनसे 8 दौर की 9 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ इस जिद पर अड़े हुए हैं कि ये जो कानून है इनको वापस लिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी अगर इस कानूनों में उनको कोई शंका है तो उसका समाधान करने के लिए भारत सरकार खड़ी है, और जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जो किसान यूनियन के नेता आए थे उनके मुद्दे तो अब बहुत पीछे रह गए, जो उन्होंने जब शुरुआत की थी और पहली और दूसरी और तीसरे दौर की जब वार्ता हुई थी उस समय तक तो उनका एक ही इच्छा थी कि इन कानूनों के अंदर संशोधन हो, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो SDM के पास में सुनवाई हो रही है उसको सिविल कोर्ट के अंदर भी सुनवाई करनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमने सहमति दी कि जो किसान अगर सिविल कोर्ट में जाना चाहता है तो सिविल कोर्ट में जाए, वो अगर कोई SDM कार्यालय में जाना चाहे तो SDM कार्यालय में जाए। ये हमारी मंशा इसके पीछे यही थी कि जो SDM के पास में सुनवाई होती है तो उसका निर्णय फास्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट जो होता है वहाँ पर अगर कोई जाता है तो उसमें समय लगता है, तो किसान को न्याय मिलने में देरी हो जाती है, तो इसलिए हमने इस कानून के अंदर यही रखा था कि SDM उसको 30 दिन के अंदर फैसला सुनाए, वरना व्यापारी तो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है लेकिन किसान बेचारा कहाँ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटेगा, कहाँ वकीलों की वो फीस भरेगा, इसलिए हमने उसको अंदर रखा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसान यूनियन के नेता कहते हैं नहीं तो हम तो वहाँ पर भी जाना चाहते हैं, तो जाइए आपकी जो इच्छा है वहाँ पर जाइए, तो ये कानून के अंदर हमने उनको एक पहला जो कह दिया। फिर उन्होंने कहा पराली के विषय पर,
तो हमने पराली के लिए भी कानून के अंदर कह दिया कि पराली के अंदर जो आने वाले जो कानून है उसके अंदर संशोधन की आवश्यकता है, उसके लिए यस कर दिया है। और साथ ही जो बिजली का विषय था तो उसके ऊपर भी हमने कह दिया कि जो आने वाले समय में जो बिल है उसके अंदर ये कानून नहीं आए, तो उसकी भी हमने सहमति जता दी है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो प्रारंभिक मुद्दे थे उन मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया और अब वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि ये बिल है इनको वापस लिए जाए। तो मेरा ये कहना है कि देश के करोड़ों करोड़ किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को वो समझे, उनकी बात को समझे और उन किसानों को समझने की कोशिश करे। बाकी रही बात, प्रधानमंत्री जी तो एक ही चाहते हैं कि चाहे किसी प्रकार का कोई भी किसान है वो असंतुष्ट नहीं हो इस कानून को समझ को लेकर, इसीलिए हम लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनको इस बात के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो यूनियन के नेता हैं कि वो करोड़ों करोड़ किसान हैं वो जो समर्थन कर रहे हैं उनको भी समझो और इस बिल में कहीं आपको संशोधन की आवश्यकता है तो इसके लिए भारत सरकार है वो खड़ी है। और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो सबको मानना है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन तीन कृषि कानूनों पर हाल ही में रोक लगा दी गई है और इस कदम को लेकर के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी की क्या राय है, आइए देखें। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो मैं सोचता हूँ अब तो उनको विश्वास करना चाहिए। वो किस पर विश्वास करेंगे जब प्रारंभ के अंदर हमारे मंत्री जी ने लगातार इनको समझाने की कोशिश, उनको मंत्री जी पर विश्वास नहीं है, उनको देश के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक जिद है और इस जिद को छोड़ें, क्योंकि देश के अंदर जिस गति के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, किसानों के लिए कितनी योजनाएँ बनी हैं, आज चाहे किसानों के लिए इस किसान सम्मान निधि का पैसा देना हो तो किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के डायरेक्ट खाते में डाले जा रहे हैं, 10,000 FPO बनेंगे, वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनेंगे उससे किसानों का समूह बनेगा, वो खुद किसान अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा और किसान अपने उत्पादन की को वहीं पर प्रोसेसिंग करके और मार्केट में बेचेगा या अन्य जगह दूसरे देशों के अंदर भी अब बेच सकता है। तो संगठन के जो एक समूह बनाकर वो अपनी प्रोसेसिंग करें, तो इसके ऊपर भी सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 10,000 FPO बनेंगे, 1,00,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च होंगे, तो ये सारे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। MSP को 1.5 गुना करने का विषय है, तो MSP को 1.5 गुना किया गया है। ये सारे आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी की एक इच्छा कि इनकम किसानों की बढ़े, नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि आने वाले समय के अंदर उत्तम खेती हो, मध्यम व्यापार हो और नौकरी अंत में हो, तो इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब आने वाले समय के अंदर किसान निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और लोग जो नौकरी की तलाश में जा रहे हैं वो खेती की ओर आएंगे और ये इन कृषि के कानूनों के माध्यम से ही होगा, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, मैंने बचपन में मंडी के अंदर जाकर अपने अनाज को बेचा है और मैंने वहाँ पर आढ़तियों को देखा है कि वो किस तरह से बोली लगाते हैं और कैसे मैं अपने उत्पादन को दूसरी जगह नहीं बेच सकता था। मैंने खुद बचपन में ये कष्ट देखे हैं और आज भी मैं तो खुद खेती करता हूँ, मैं किसान की नज़र से बात कर रहा हूँ और कृषि एक किसान हूँ, इसलिए मैंने और हमने जो मंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कानून बनाए। वरना मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कानून के अंदर जो जिस तरह से कानून बना हुआ है, अगर ये बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून बना हुआ होता तो इसके अंदर ये नहीं कहा जाता कि जो अगर कोई कॉन्टैक्ट करने के बाद में अगर कोई व्यापारी है वो अगर एग्रीमेंट से मना कर देगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। ये कभी कॉरपोरेट जगत के लोग ये नहीं चाहेंगे कि ये उसके उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन किसान के खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये इसलिए कानून बनाए क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और किसान के दर्द को समझते हैं और किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो काम कर रही है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में किसान आत्मनिर्भर बनेगा और वो इन कानूनों के माध्यम से बनेगा। अभी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। गांव
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि हमारे देश की सरकार हमारे किसानों की उन्नति के लिए तत्पर है और इसी कड़ी में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करें तो वो भी उन्हीं में से एक है जिसकी शुरुआत की गई थी 13 जनवरी 2016 को और हाल ही में इसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 5 वर्षों के दौरान किस तरह की उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं और आगे आने वाले समय में किस तरह के लक्ष्य तय किए गए हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए बातचीत की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ आशीष भुटानी ने दूरदर्शन किसान संवाददाता से। आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं, इसको सर किस रूप में आप देखते हैं? मैं कहूँगा एक बहुत ऐतिहासिक कदम सर सरकार का 5 साल पहले, और इन 5 सालों में जो किसानों को जो सुरक्षा कवच मिला है, जो लाभ हुआ है, जो फसल में नुकसान से जो उनको भरपाई मिली है क्लेम के तौर पर 90,000 करोड़ का क्लेम मिला किसानों को, और बड़े पैमाने पर किसान जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी का आधार प्रयोग हमने किया है जिससे कि किसानों को हम आसानी से जोड़ सकें, भुगतान जल्दी कर सकें, एक बहुत बदलाव आया है। जो स्कीम चल रही थी 2016 में के पहले और जो आज स्कीम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छा एक योजना, बहुत अच्छी है, प्रावधान बहुत बहुत अच्छे किसानों किसान हितकारी हैं, किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई योजना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात में केंद्रांश कर दिया गया है, टेक्नोलॉजी का ऐसे मैंने पहले बताया एक व्यापक प्रयोग हो रहा है, और किसानों को जोड़ने की जो प्रक्रिया राज्यों के साथ मिलकर जो की गई है और जो हितधारक हैं इसमें एक काफ़ी बदलाव आया है। अब प्रचार प्रसार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, ये मानूंगा कि और हमको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें काफ़ी वृद्धि हुई, किसानों को गांव-गांव में पता है कि योजना क्या है। आप देखें जो हमने सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के आधार पर जो किसानों का बीमा किया, लंबी लाइन लगती हैं जब कट ऑफ डेट आती है, बहुत किसानों को इसकी योजना को जानकारी मिली है, एक बड़ा बदलाव आया है, किसान अब अवेयर है, जागृत है कि योजना के बारे में पता है और अब अपनी मर्जी से स्वेच्छा से योजना से जुड़ रहा है। सर इसमें कभी कभी ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कभी राज्य की जो सहायता योजना है, तो किसान सर टोटल कन्फ्यूज हो जाता है कि हमें आखिर कहाँ क्लेम करना है और कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। देखिए अगर फसल बीमा योजना चल रही है तो किसान ने अगर बीमा कराया तो उसको बीमा का लाभ मिलेगा। जैसे मैं अगर मैं मोटरसाइकिल का बीमा कराता हूँ तो मोटरसाइकिल नुकसानों पर बीमा कंपनी मुझको लाभ देगी। जो बाकी सहायता चल रही हैं ये होती हैं वो कोई आपदा आने पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो योजना चल रही है उसके आधार पर मिलती है, वो इस योजना से ऊपर है, उसके अलावा है, इसके उससे अलग नहीं है, वो इसके साथ मिलती है, वो सबको मिलेगी, बीमा उसको मिलेगा इसने बीमा करवा रखा। सबसे महत्वपूर्ण किसानों के लिए रहता है कि वो बीमा तो करवा लेता है सर, लेकिन कभी कभी उसके मॉनिटरिंग में कहीं कहीं पर आता है कि कुछ किसान कहता है कि हाँ हमारे गांव में कुछ क्रॉप से नष्ट हो गए हैं और कुछ गांव के क्रॉप नष्ट नहीं हुए हैं, तो उसको एक समेकित रूप से देखा जाता है कि नहीं अब इस ब्लॉक में फसल है वो ठीक है तरह से हुआ है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो सर लेकिन उसमें से जो कुछ अगर 2% भी किसान प्रभावित हुए हैं तो उसको पूरा एकीकृत मान लिया जाता है। देखिए हमने क्या किया, आपदाओं जो व्यापक आपदाएं हैं उसका फसल कटाई प्रयोग के आधार पर ही क्लेम दिया दावा दिया जाएगा। जो ऐसी आपदाएं हैं जो पूरे गांव में एक ब्लॉक को पंचायत को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि ओलावृष्टि है, जल भराव हो गया, कहीं पर बादल फटने से नुकसान हो गया, ऐसी जो भी आपदाएँ हैं या फसल खेत में कट के पड़ी हुई है और
बेमौसम बरसात से, चक्रवात से नुकसान हो गया, तो वैसे वो आपदाएं पूरे इलाके, बड़े इलाके में नहीं आती हैं उसका। तो ऐसी आपदाओं में खेतवार नुकसान का आकलन का प्रावधान है, और हमने बड़े पैमाने पे ऐसे जो हुए नुकसान उसका भरपाई भी की है। उदाहरण स्वरूप पे जो खरीफ 19 महाराष्ट्र में फसल कटाई के बाद जो नुकसान हुआ बेमौसम बरसात से, 65 लाख किसानों के आवेदन आए, उनको भुगतान किया गया, इसका खेतवार आकलन करके भुगतान किया गया। तो वैसे प्रावधान भी हैं योजना में। और सर, किसान के बीच में ये भी भ्रांति होता है कि आखिर क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो कंपनी कौन से है, जो हमें एक तरह से लाइबिलिटी वाली भी यहाँ पर सर सवाल उठता है। ये बात सही है कि कई बार ऐसा होता है कि जब तक किसान के भुगतान क्लेम के भुगतान की नौबत आती है, कंपनी बदल जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हमने योजना में ये प्रावधान कर दिया है, जो संशोधित योजना में, कि हर कंपनी को 3 साल के लिए कम से कम काम दिया जाएगा। तो अगर किसान का, अगर मान लीजिए खरीफ 20 में नुकसान हो, उसको पता वही कंपनी है अगले साल भी, उसके अगले साल भी कंपनी वही मौजूद है, जिससे कि कंपनी वहाँ रहे, ढांचा खड़ा करे, किसानों से एक अच्छा उनका आदान प्रदान हो, उनका मेल जोल हो, पहचान हो, और समय से वहाँ मौजूद रहे, और किसानों की जितनी भी परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं, शिकायतें हैं, जो उनके प्रश्न है, उनका जवाब दे सके। सर, मंत्री जी ने साफ शब्दों में इन्होंने बताया कि गांवों तक खास तौर से जो किसान है उनको इस बात के पता नहीं रहता है कि कब इसको फसल बीमा में हमें इनरोलमेंट करवाना है, कब नहीं करवाना है। तो प्रचार प्रसार में काफ़ी उन्होंने सर कमी पर जोर दिया है, सर आप इसको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सही है, प्रचार प्रसार मैंने कहा पहले से काफ़ी मजबूत हुआ है, अच्छा हुआ है, इतने लोग किसान जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, हमने स्वैच्छिक करने के बाद भी जुड़ रहे हैं, तो ये एक इस बात को दिखाता है कि योजना का जो सूचना किसानों के पास है, बट बात सही है, और मजबूत करने की ज़रूरत है, किसानों को समय से इसकी सूचना मिले और गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार हो, उसकी ज़रूरत है, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, प्रचार प्रसार किस तरह से करेंगे जिससे गांव-गांव तक वो पहुँच पाए? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि 0.5% जितना भी प्रीमियम की राशि इकट्ठी होती है वो कंपनियों को व्यय करनी है प्रचार प्रसार में, और उसका एक हमने एक सेंट्रलाइज्ड एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, कंपनियों की हम निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कितनी कहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है, और ज़रूरत है गांव-गांव में जाने की, उस पर हम जोर दे रहे हैं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अगर पेपर में आपने प्रचार निकाला, कोई इश्तिहार निकला, वो गांव तक नहीं पहुंच पाता कई बार, तो प्रचार प्रसार गांव में जाके हो, किसानों को जोड़ा जाए, बुलाया जाए, समझाया जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती है? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता, जैसे 22 कैरेट के लिए 22K 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22K 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।